बनारस शहर में एक राजा होते थे, उन्हें रामकथा सुनने का बहुत शौक था जी। अब रामकथा तो उतनी जितनी रामायण में, लेकिन जो भी रामकथा सुनाने आए वो अपना रामकथा सुना के चला जाए, अब राजा जी को मजा ना आए। अब उनके मंत्री ने उनको सलाह दी, अब हर जगह मंत्री ही सलाह देते हैं और राजा सुनते हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो मंत्री ने उनको सलाह दी कि ऐसा करिए, आप मुनादी करवा दीजिए शहर में, और उनको जो भी सबसे लंबी रामकथा सुनाएगा उसको 1,00,000 सोने की अशर्फियाँ दी जाए। तो राजा जी ने मुनादी करवा दी गई शहर में, और दूर दूर से कथावाचक आ गए बनारस शहर में। अब रामकथा सबने सुनानी शुरू करी, कोई बैठ के सुनाए, कोई गा के सुनाए, कोई रो के सुनाए, कोई लटक के सुनाए, कोई हंस के सुनाए, लेकिन रामकथा तो उतनी जितनी रामायण में। तो सबको वापस भेज दिया जाए, कोई इनाम नहीं जीत पाया। अब उसी शहर में एक ठग रहता था। अब ठग ने बोला, चलो भाई जमूरे, 1,00,000 अशर्फियाँ कमाने का टाइम आ गया है। पहुँचे महाराज के पास, तो महाराज के पास पहुँच के बोले, महाराज मैं सुनाऊंगा आपको ऐसी कथा, आप खत्म हो जाएंगे, आपका शहर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी कथा नहीं खत्म होगी। क्या बात। तो राजा जी भी अब क्यूरोसिटी में, भाई कि कैसी कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन ठग बोला, मेरी कथा सुनाने से पहले एक शर्त है, मैं जो कथा सुनाऊं बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बीच में मुझे कोई रोका टोकी नहीं चाहिए, जैसे मैं सुनाना चाहूँगा वैसे सुनाऊँगा। अब महाराज बोले, बिल्कुल जैसे तुम सुनाना चाहो वैसे सुनाओ, शुरू करो। अब कथा ठग ने कहानी शुरू करी, महाराज अयोध्या नगरी में एक बाग में पीपल का पेड़ लगा था। उस पेड़ पर किसी समय में कितनी चिड़िया आती थी, कितनी चिड़िया जाती थी, कितनी चिड़िया आती थी, कितनी चिड़िया जाती थी, और पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे थे जिसमें गेहूं थी, और वहीं पे बगल में एक सरोवर था। तो एक चिड़िया आई पेड़ पे से, दाना चुगा पीपे में से, सरोवर में डुबकी लगाई और उड़ गई। दूसरी चिड़िया आई सरोवर में, दाना चुगा और सरोवर में डुबकी लगाई, उड़ गई। अब तीसरी एक चंचल सी चिड़िया राजमाता के दरबार से आई और दाना चुग के सरोवर में डुबकी लगा के उड़ गई। चौथी चिड़िया भी आ गई कहीं से, जिसके पर लाल थे, रंगीन चिड़िया, चंचल बिल्कुल, उसने भी दाना चुगा पीपे में से और डुबकी लगाकर उड़ गई। पांचवी चिड़िया तो दूसरे देश से आई थी, लेकिन चिड़िया तो चिड़िया है, कहीं से भी आ सकती है, दाना चुगा डुबकी लगाई और उड़ गई। सातवीं चिड़िया वो तो महारानी के यहां से आई थी, उसने भी दाना चुगा डुबकी लगाई और उड़ गई। अब ऐसे करते करते 5,000-6,000 चिड़िया उड़ा दी उसने। अब मंत्री का माथा ठनका, बोला महाराज ये तो कहने आया था यहां रामकथा, लेकिन रामकथा तो हो नहीं रही है, ये क्या बात है। अब राजा जी भी बोले, हाँ सही बोला, होल्ड, तुम तो यहाँ रामकथा सुनाने आए थे, ये रामकथा तो नहीं है। ठग बोला, महाराज आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात का, मैंने कैसे शुरुआत करी थी कहानी की, एक समय की बात है, अयोध्या में एक पीपल का पेड़ था। अब अयोध्या किसके राज्य का, श्री राम का राज्य, तो ये रामकथा हुई कि नहीं। तो 9,936 चिड़िया आई और पीपे से दाना लेकर सरोवर में डुबकी लगा के उड़ गई। करते करते चिड़िया आ रही थी, डुबकी लगा रही थी, उड़ रही थी, आ रही थी, डुबकी लगा रही थी, उड़ रही थी। ऐसे करते करते फिर 10-12 लाख चिड़िया उसने उड़ा दी। अब मंत्री का माथा फिर ठनका। मंत्री ने बोला, महाराज इससे पता करिए जरा, ये तोते कितने हैं, ये चिड़िया कितनी है इसके पेड़ के ऊपर। राजा बोले, होल्ड, ये जो तुम्हारी कहानी है इसमें अभी कितनी चिड़िया और आनी बाकी हैं। ठग बोला, महाराज आपने मेरी कहानी ध्यान से नहीं सुनी, मैंने क्या कहा था, अयोध्या राज में पीपल के पेड़ के ऊपर कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं और कितनी चिड़िया आ रही हैं, कितनी चिड़िया जा रही हैं, ये तो प्रभु राम ही जाने। करते करते ऐसे 20-25 लाख चिड़िया और उड़ा दी उसने।
चिड़िया आए पानी पिए दाना चुगे और फिर आए पानी पिए दाना चुगे फिर। अब मंत्री जैसे कंट्रोल नहीं हुआ, अब मंत्री जी महाराज अब जरा इस ठग से पूछिए आप कि ये गेहूं के दाने कितने बचे हैं। उसने राजा बोले होल्ड, ये बताइए कि ये दाने कितने बचे हैं अभी। बोले महाराज आपने फिर कहानी ध्यान से नहीं सी शुरू से सुनी है। कहानी में मैंने क्या कहा था, पीपल के पेड़ के ऊपर से चिड़िया नीचे आती और 20 पीपे रखे थे जिनमें गेहूं थी, और अभी तो महाराज आधा ही पीपा खाली हुआ है पहले वाला, तो चिड़िया आएंगी और जाएंगी। तो अब महाराज का दिमाग बिल्कुल घूम चुका था और उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि भाई इसको 1,00,000 सोने की अशर्फियाँ दी जाए और यहाँ से विदा किया जाए। तो हरि अनंत और हरि कथा अनंत।